अस्सलाम वालेकुम जी, वेबसाइट आपके सामने है। बिना आपका टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली मैंने वेबसाइट को ओपन कर दिया। इस वेबसाइट का नाम है जी लॉन्ग रीड्स। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको ओपन करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका भी यही सवाल होगा भाई ऑनलाइन काम कैसे करते हैं, हम ऑनलाइन काम ढूंढ ढूंढ के थक गए, अभी तक ऑनलाइन काम नहीं मिला। तो भाई आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए जिनको अभी तक ऑनलाइन काम नहीं मिला, आज की वीडियो उन खास दोस्तों के लिए जो टाइपिंग का या उसके अलावा कॉपी राइटिंग का या कोई ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, ये उनके लिए वीडियो। मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप से, कंप्यूटर से कर सकते हैं। अच्छा, इस वेबसाइट के बारे में मैं बात करता चलूं आपके साथ, सबसे पहले मैं इसका ट्रस्टेड स्कोर देख लूं कि क्या ये ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करती है या नहीं। स्केम एडवाइजर पर चेक किया तो यहां पर इसका जो 100 में से 100 इसका ट्रस्टेड स्कोर मुझे नजर आ रहा है, तो भाई इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रही है वेबसाइट जिस पर हमने आज काम करना है। बहुत ही छोटी सी वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल में बताने वाला हूं, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना बल्कि स्टेप बाय स्टेप इसको देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन अर्न विद अली रजा। गुजारिश है उन दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलें जी वेबसाइट की तरफ चलता हूँ। इस वेबसाइट का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, इसके क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या काम है यहाँ पर। असल में हमने ऐसे राइटिंग का काम करना है जिस तरह हम 9-10 में 11-12 में हमने स्टडी की है। तो भाई हम लोग कायदे आजम का मजमून लिखते हैं, लामा इकबाल का माय स्कूल पे ऐसे लिखते हैं, तो भाई आज हमने इनको ऐसे ही लिख के देना है कि हमने मजमून लिख के देना है इनको, कायदे आजम का नहीं वैसे लिख के देना, इनकी डिमांड के मुताबिक हमने लिख के देना है, ठीक है, जो इन्होंने वेबसाइट पे लिखा हुआ है। ऐसे राइट करके देगा हम उसको डॉलर देंगे। वो कह रहा है कि ऐसे राइट करके दें तो हम आपको डॉलर देंगे। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या करना है, भाई आपने ये जो हाईलाइट किया हुआ है इन्होंने इसको आपने पढ़ लेना है। वो कह रहा है जी लॉन्ग रीड्स विल नॉट एक्सेप्ट एनी सबमिशन आर पिच डैट हैज बीन रिटन आर एडिटिंग यूजिंग जनरेट AI टूल सच एज ChatGPT। यानी कि ChatGPT से लिखा हुआ हमें ऐसे ना दीजिएगा, हमें कोई कॉपीराइट काम नहीं चाहिए बल्कि रियल काम चाहिए जो आपने खुद लिखा हुआ हो। अगर आप किसी AI टूल से लिखकर देंगे या ChatGPT से हमें लिख के देंगे तो हमारी वेबसाइट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो भाई हमने ChatGPT से नहीं लिखना, मैं आपको बताने वाला हूं ये वेबसाइट को कॉपीराइट नहीं लगेगा कि भाई ये कॉपीराइट है, बल्कि लगेगा कि ये रियल खुद लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ है, यहां आपने टाइपिंग करके इनको लिख कर दिया है। मैं मुकम्मल आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं और मैं आपको बताता चलूं कि इनको कितने लफ्ज चाहिए। ये देखिए इन्होंने लिखा जी हमें 2000 से 6000 वर्ड वाला ऐसे राइट करके देगा तो हम उसको डॉलर देंगे। अब हमने तकरीबन 2000 और 6000 के दरमियान हमने ऐसे राइट इनको लिख कर देने हैं, इससे ना कम हो, इससे ना ज्यादा हो। तो भाई वो भी तरीका कर मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, नीचे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, अब आप लोग सोचेंगे यार इसकी पेमेंट का तरीका कर इन्होंने कहां पर बताया होगा, तो भाई पेमेंट का तरीका कर भी इसी जगह पर इन्होंने बताया है। ये देखें जी इन्होंने कहा जी $500 पर ऐसे, आपके सामने जी प्रूव है, इन्होंने दिया हुआ है, ये वेबसाइट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, वो कह रही है जी आपको $500 पर ऐसे मिलेंगे। अगर मैं इसको डॉलर टू PKR में कन्वर्ट करता हूं, इसको मैं चेक कर लूं कि भाई ये कितनी अमाउंट बनती है एक ऐसे, लेकिन ऐसे उनको पसंद हो, कोई कॉपीराइट का ना हो, ठीक है। तो भाई आपके सामने यहाँ देख लें जी ये अमाउंट इसकी बन रही है, आप इसका हिसाब लगा लें जी कितनी अमाउंट है, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा, आपने कभी ये सोची भी नहीं होगी। ये वो वेबसाइट है जो आपको लाखों में पैसे दे रही है, ठीक। यहाँ पर करना आपने क्या है कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये बता रहे हैं कि भाई हमें इस तरह का इन्होंने दिया है कि हमें इस तरह का कोई ऐसे लिख कर दें, लव सॉन्ग टू कॉस्ट्यूम, यानी कि ये चीज़ें लिखी हुई हैं उन्होंने, आपने पढ़ लेना है एक दफ़ा अपनी मर्जी से। मैं आपको डेमो दे दूंगा कि आपने ऐसे लिखना कैसे है और उसका कॉपीराइट भी नहीं आएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके वो बताने वाला हूं। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना वरना आप अहम स्टेप जो है वो मिस कर देंगे। अच्छा, अब यहां पर हमने काम क्या करना है, मैं सिंपली जी ChatGPT को ओपन कर लेता हूं। हमने ChatGPT का नहीं इनको देना, लेकिन मैं आपको बताता हूं हमने एक जुगाड़ लगाना है। वो क्या जुगाड़ है जी, ChatGPT को अगर मैं ओपन कर लेता हूं, उन्होंने कहा था जी हमें ऐसे चाहिए जिसके 2000 से 6000 तक वर्ड हो, यानी कि मिनिमम इतने हो, इससे ज्यादा ना हो। तो भाई ChatGPT मैंने ओपन कर लिया, हालांकि वेबसाइट ने बताया कि ChatGPT या AI टूल का जो इस्तेमाल करेगा भाई हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें हाथ से लिखा हुआ या खुद टाइप करके लिखा हुआ ऐसे चाहिए। मैं आपको सिंपली बता दूं, अगर मैं ChatGPT पे लिखता हूं, मैंने लिखा जी राइट
2000 वर्ड ऐसे ऑन साइंस, यानी कि मैं आपको समझाने के लिए एक ये वाला जो है ऐसे लिख रहा हूं साइंस के मुतालिक 2000 वर्ड मैंने चैट जीपीटी को कहा मुझे लिख कर दें। अब चैट जीपीटी ने अपना काम जी शुरू कर लिया, उसने हमें राइट कर दिया 2000 वर्ड उसने मुकम्मल कर देने हैं हमें, और भाई साहब हमने ये वहां पर अप्लाई करना है। लेकिन उन्होंने कहा जी हमें एआई टूल या चैट जीपीटी का कुछ भी लिखा हुआ नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताता चलूं कि यहां पर हमने काम क्या करना है, ये बात समझने वाली है। अब मैं सिंपली चैट जीपीटी में थोड़ा सा कुछ जो मेन पॉइंट है उसको मैं कर लेता हूं जी कॉपी, ये मैं इतना कर लेता हूं इसका हिस्सा। कॉपी करने के बाद ये देखें मैंने कॉपी, आपने एक वेबसाइट पे जाना स्पिन बोर्ड पे, ये है जी वो वेबसाइट स्पिन बोर्ड, यहां पर मैं इसको कर देता हूं क्लिक। मैं जैसे ही यहां पर इसको करता हूं क्लिक तो भाई आपके सामने मैं यहां पर कर लेता हूं क्लिक। ये देखें मैंने जो चैट जीपीटी से कॉपी किया था वो मैंने स्पिन बोर्ड पे आके इसको पेस्ट कर दिया। अब स्पिन बोर्ड पे जो काम है ना इसका देखें, बेसिक स्पिन बोर्ड यहां पर लिखा है ना बेसिक स्पिन, यहां पर हमने क्लिक करना है, यानी कि ये जो चीज लिखी हुई है ये अब कॉपीराइट नहीं आएगी, जो वेबसाइट है उसको लगेगा कि ये आपने खुद टाइप करके लिखा हुआ है बल्कि ये कॉपीराइट नहीं है, ठीक है, ये टाइपिंग वाला है। अब इसको सिंपली आपने यहां से कर लेना जी कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने अब क्या करना है, अपनी जीमेल ओपन कर लेनी है, ये हमारे पास जीमेल ओपन हो गई है, आपने अपनी जीमेल पे जाना है। अब यहां पर मजे वाली बात ये है कि भाई इनको सेंड करना है, ये जो इनका लिंक है ना ये देखें, ये जो लिखे hello@longreach.com, आपने सिंपली ये वाली जो जीमेल है ना इनकी, इनको अपने इनबॉक्स में जाना है जीमेल वाले पे, वहां पर जाके इनको इनकी जो ईमेल है वो लगानी है, और जो हमने कॉपी किया था ये वाला स्पिन बोर्ड से जो हमारा लेटर कॉपी हुआ है ऐसे राइट जो हमने किया था, इसको कॉपी करने के बाद आपने जनाब इनकी जो ईमेल बनी हुई है यहां पर कर देना सेंड। अब सेंड करने के बाद वो इसको पढ़ेंगे रीड करेंगे, फिर आपके साथ वो दोबारा जीमेल पे रब्ता करेंगे कि भाई आपने जो ऐसे लिखा है वो बहुत ही जबरदस्त ऐसे लिखा हुआ है, हमें नेक्स्ट भी ऐसे जो राइट करके देंगे आप तो हम आपको डॉलर देंगे, पैसे देंगे। तो उम्मीद करता हूं बात को आप समझ रहे होंगे कि भाई इस वेबसाइट का क्या मतलब है। यहां पर इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने ऐसे राइट करके देना है, और ये जो आपको ईमेल नजर आ रही है इस ईमेल पर हमने इनको सेंड कर देना है, वो जो ऐसे आपने राइट किया होगा वो यहां पर सेंड करना है, फिर ये वेबसाइट आपका ऐसे रीड करेगी, अगर इसको पसंद आता है तो भाई वो आपको अपनी कंपनी के लिए हायर करेगी और आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि हमें नेक्स्ट भी आप ही लिख कर दें क्योंकि आपने बहुत अच्छा राइट किया है, ठीक है। फिर आपको जो पेमेंट है वो आपको बैंक में दे देंगे जैज कैश में, इजी पैसे में, वो आप उनके साथ राबता करके ये सारा काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो भाई सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।